हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस का जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका टेस्ट 2 मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इससे पहले ऑलरेडी मैंने टेस्ट 1 को अपलोड कर दिया है, जो प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 का टेस्ट 1 है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप बिहारी एसआई मेन से रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप जाकर ऐड हो सकते हैं, जिसमें कि आपको टाइम टू टाइम पे बिहार एसआई मेन्स या फिर और सारे एग्जाम से रिलेटेड जितने भी वैकेंसीज है, एग्जाम डेट है या फिर रिजल्ट पब्लिश डेट है, वो सब कुछ साथ ही साथ आप लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज और गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आता है तो लाइक मत कीजिएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ मुझे सीखने के लिए मिला है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। वो लाइक से हमें एक मोटिवेशन मिलता है और वो मुझे प्रेरित करता है कि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोज लेकर आऊँ। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के यूजफुल कंटेंट वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो जो पहला क्वेश्चन है वो है ऑसिनडेक्स निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। देखिए, ये जो जितने भी अभ्यास होते हैं नौसैनिक, जितने भी सैन्य अभ्यास हैं, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। आप लोग कहिएगा तो मैं एक वीडियो बना के दे दूंगा सैन्य अभ्यास पर, क्योंकि सैन्य अभ्यास पर पिछले भी दरोगा मेंस में क्वेश्चन आया था और इस बार भी चांसेस है कि एक क्वेश्चन जरूर सैन्य अभ्यास से आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो इसके नाम में छुपा हुआ है, AUS से ऑस्ट्रेलिया और IND से इंडिया। तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, साथ ही साथ कुछ और युद्ध अभ्यास देख लीजिए। एक है गडूड, ठीक है, क्या नाम है उसका, गडूड। गडूड किसके किसके बीच होता है, गडूड होता है इंडिया और फ्रांस के बीच में। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, गडूड किसके बीच में होता है, इंडिया और फ्रांस। एक और याद रखिएगा, मित्र शक्ति। मित्र शक्ति किसके किसके बीच हुआ है, मित्र शक्ति होता है भारत और नेपाल के बीच। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत लाभार्थियों को कितने रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 3000 रुपये दिए जाएंगे। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए चलाया गया है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जो लोग प्राइवेट फर्म या फिर प्राइवेट इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनके लिए चलाया गया है। वो लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में है उन्हें पैसा जमा करना पड़ेगा और 60 वर्ष के बाद उन्हें 3000 रुपया प्रत्येक मंथ पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसकी शुरुआत, इस योजना की शुरुआत 2019 में नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के गांधीनगर से स्टार्ट की गई थी। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि चमन परियोजना भारत में किस क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग का उदाहरण है। देखिए, जैसे ही आप लोग चमन का फुल फॉर्म का आप लोगों को पता हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आप आंसर दे दीजिएगा। तो पहले चमन के फुल फॉर्म की बात करते हैं। चमन जो होता है वो स्टैंड करता है कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, ठीक है, असेसमेंट एंड मैनेजमेंट क्या है, कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। देखिए, इसके नाम में ही हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर का मतलब ही होता है बागवानी, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बागवानी। क्लियर है, अगर हम बात करते हैं चमन की तो इस परियोजना का उद्देश्य क्या था, इस परियोजना का उद्देश्य था कि बागवानी क्षेत्र को विकास प्रदान करना ताकि किसानों की आय में वृद्धि की जा सके। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि प्राचीन वैशाली नगर के वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं। तो देखिए, प्राचीन जो वैशाली नगर है उसको मुजफ्फरपुर के एरिया में है, तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुजफ्फरपुर। देखिए, 12 अक्टूबर 1972 को क्या हुआ था, वैशाली को जिला बनाया गया था और इसी के बाद ये जो प्राचीन वैशाली नगर है मतलब मुजफ्फरपुर जो है वो उससे वैशाली से अलग हो गया था। वैशाली जिला का मुख्यालय कहाँ है, वैशाली जिला का मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं तो वैशाली जिला का मुख्यालय है हाजीपुर में।
देखिए, आप जब लोग महाजनपद की बात कर रहे हैं, सुने होंगे महाजनपद, आपने पढ़ा होगा कि 16 महाजनपद होते हैं, तो उसमें आपने एक महाजनपद में बाजी संघ पढ़ा होगा, ठीक है। इस बाजी संघ नामक महाजनपद का मुख्यालय कहाँ था? यही वैशाली था। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राम दयालु सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं राम दयालु सिंह की, तो ये 1937 से लेकर 1944 तक अपने पद पर स्थापित रहे थे। साथ ही साथ बिहार के कुछ और प्रथम के नाम को हम लोग देख लेते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के नाम से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, उनका नाम था श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें ही बिहार केसरी बोला जाता है, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी बोला जाता है। साथ ही साथ एक और नाम याद रखिएगा, बिहार विधान परिषद के, ठीक है, बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? प्रथम सभापति थे राजीव रंजन प्रसाद, ठीक है। क्या नाम था उनका? राजीव रंजन प्रसाद। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2.86%। बिहार जो है वो भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है, ठीक है। लेकिन अगर हम भारत की बात कर लेते हैं, देखिए एक चीज और यहां समझिएगा, अगर बिहार भारत के क्षेत्रफल का पूछे तो 2.86%, लेकिन अगर भारत के बारे में बोले कि भारत विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कवर करता है, तब हो जाएगा 2.42%, ठीक है। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 3रा राज्य है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत में वित्तीय व्यवस्था की प्राथमिक इकाई कौन है? तो वित्तीय व्यवस्था की प्राथमिक इकाई पूछ रहा है, मतलब जो सबसे प्राथमिक पहला इकाई है वो कौन है? तो पहला इकाई होता है जिला कोषागार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम नियंत्रक एंड महालेखक परीक्षक की बात करते हैं, तो नियंत्रक एंड महालेखक परीक्षक जो होता है वो भारत सरकार के धन के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, बजट निर्माण का मुख्य सिद्धांत क्या है? पहला ऑप्शन है वार्षिकता का सिद्धांत, लोचशीलता, परिशुद्धता, या फिर सभी तीनों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बजट निर्माण का ये जो सिद्धांत है वो तीनों है, ठीक है। अगर हम बात बजट की कर लेते हैं तो बजट का तात्पर्य क्या है? देखिए, बजट का मतलब ही होता है किसी सरकार के वार्षिक अनुमानित खर्चों का विवरण, ठीक है। वो कितना पैसा कमा रहा है, उसको कितना इनकम होगा और कितना इन्वेस्ट करेगा, वही बजट कहलाता है। बजट से एक चीज याद रखिएगा, बजट शब्द का कोई जिक्र नहीं है हमारे संविधान में, ठीक है। हम लोग जो बोलते हैं अनुच्छेद 112, ठीक है, अनुच्छेद 112 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है और उसी को हम लोग बजट बोलते हैं, लेकिन बजट नाम का कोई शब्द संविधान में नहीं लिखा हुआ है। क्लियर है? एक और चीज याद रखिएगा बजट से, कि भारतीय बजटीय प्रणाली का जनक किसको माना जाता है? भारतीय बजटीय बजट प्रणाली का जनक माना जाता है जेम्स विल्सन को। किनको माना जाता है? जेम्स विल्सन। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में संघीय स्तर पर क्या होता है? एक बजट होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक बजट होता है। देखिए, बजट से एक और चीज याद रखिएगा कि 1924-25 में, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, 1924-25 में क्या हुआ था कि समान बजट को रेल बजट से अलग कर दिया गया था। तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि समान बजट को रेल बजट से कब अलग कर दिया गया था, तो 1924-1925 वित्तीय वर्ष में अलग कर दिया गया था। और फिर 2017-2018 में जब नरेंद्र मोदी बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, कार्यरत थी, तो 2017-18 में पुनः रेल बजट का विलय आम बजट में कर दिया गया। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत में बंदी प्रतिक्षेकरण आदेश जारी करने का अधिकार किसको है? देखिए, बंदी प्रतिक्षेकरण, आप लोग नाम से लग रहा होगा कि आप लोगों का नाम ये पता है, तो ये क्या है? ये जो पांच तरह की रीट जारी करता है, वो पांच जो रीट है वही में एक तरह का ये रीट है बंदी प्रतिक्षेकरण, ठीक है। अब बात आती है कि रीट जारी कौन करता है,
तो रिट उच्चतम न्यायालय भी जारी कर सकता है और उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है, मतलब हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज याद यहाँ रखने वाली क्या बात है कि जो हाई कोर्ट है वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है और जो सुप्रीम कोर्ट है मतलब उच्चतम न्यायालय है वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करेगा। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विकासशील देशों में योजनाबद्ध विकास और सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख वाहक क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी लोक प्रशासन। ठीक है, देखिए लोक प्रशासन होता क्या है ये समझ लीजिए। लोक प्रशासन का मतलब एक ऐसा प्रशासन जो कि सरकारी क्षेत्र तक सीमित है या सार्वजनिक उद्देश्यों को केंद्र में रखकर संचालित की जाने वाली प्रत्येक क्रिया को हम लोक प्रशासन के अंतर्गत में रखते हैं। क्लियर है? अगर हम लोक प्रशासन की बात करते हैं तो लोक प्रशासन का जनक किसको माना जाता है? लोक प्रशासन का जनक माना जाता है बुड्रो विल्सन को, नाम याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में से कौन नौकरशाही का लक्षण अपेक्षित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जनता के प्रति उत्तरदायी। मतलब नौकरशाही का मतलब क्या होना चाहिए? वो जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। देखिए जनता के प्रति उत्तरदायी कौन होता है? राजनेता, जो हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक है तो राजनेता जो होते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मतलब जो हमारी कार्यपालिका है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत सरकार ने अपने उच्च पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ खोली है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मसूरी में खोल रखा है। ये जो नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इसका पूरा नाम है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है? इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1959 में। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं नई दिल्ली की तो नई दिल्ली में भी याद रखिएगा कि भारतीय लोक प्रशासन संस्था कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। अगर हम बात हैदराबाद की करते हैं तो एक और पुलिस एकेडमी मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। तो ये सारे ट्रेनिंग के कुछ सेंटर्स हैं जो आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं कब। ऑप्शन दिया हुआ है कि जब वो चाहे वर्ष में एक बार, प्रत्येक सत्र के आगमन पर, सदनों के निमंत्रण पर और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आगमन पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आगमन पर। देखिए एक चीज याद रखिएगा अनुच्छेद 87, ठीक है, अनुच्छेद 87, आर्टिकल 87 के तहत जो राष्ट्रपति होता है वो दो स्थितियों में विशेष रूप से संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है। पहला क्या है? पहला कंडीशन है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत होने पर, और दूसरा कंडीशन है प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में। ये दो कंडीशन में अनुच्छेद 87 के तहत वो बुला सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सबसे अधिक मतदाताओं का देश कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारत। ठीक है, भारत में लगभग आप मान के चलिए 89 करोड़ मतदाता हैं। क्लियर है? एक चीज और याद रखिएगा कि भारत में जो मतदान देने की उम्र है वो कितनी वर्ष है? 18 वर्ष है। 18 वर्ष से कम उम्र के लोग वोट नहीं कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि लेकिन मूल संविधान में ये 18 वर्ष नहीं था। मूल संविधान में ये कितना था? मूल संविधान में था ये 21 वर्ष। अब यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कब 18 वर्ष कर दी गई थी। तो यह कब कर दिया गया था? 1989 में। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यह याद रखिएगा कि 1989 में हुआ था और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। अब बात आती है, एक चीज और याद रखिएगा कि जो भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम लोकतांत्रिक देश कौन है तो प्रथम लोकतांत्रिक देश हो जाएगा अमेरिका। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा जिप्सम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है?
जिप्सम जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। जिप्सम की अगर हम बात करते हैं तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। जिप्सम को हम लोग सेलोनाइट भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सेलोनाइट। और जिप्सम का यूज कहाँ होता है, जिप्सम का यूज सीमेंट बनाने में, सीमेंट के कारखानों में किया जाता है। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा गुण प्रत्येक जीवधारी की मूल विशेषता है। तो जीवधारी की सबसे मूल विशेषता क्या है, कि वो अपनी जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए उसमें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो वायुमंडल में कौन से गैस की कमी हो जाएगी। तो ये तो सबको पता है कि जैसे ही पेड़ पौधे नष्ट होंगे वो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन पाया कितना जाता है वायुमंडल में, लगभग 21% है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से नीति निदेशक तत्व के बारे में क्या सही है। तो नीति निदेशक तत्व के बारे में इसमें जो सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी यह किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा, ये जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए नीति निदेशक तत्व की अगर हम बात करते हैं तो ये याद रखिएगा कुछ, नीति निदेशक तत्व जो है वो भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेके 51 में वो उसकी व्याख्या किया हुआ है। ठीक है, और कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निदेशक तत्व है जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब ये जो 36 से 51 अनुच्छेद में ये व्याख्या किया गया है इसका, तो इसी के अनुच्छेद 37 के अनुसार, अनुच्छेद 37 के अनुसार ही ये कहा गया है कि नीति निदेशक जो तत्व है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये अनुच्छेद 37 में कहा गया है। क्लियर है, एक चीज और याद रखिएगा भाग 4 से, कि भारतीय संविधान के भाग 4 को ही संविधान का सामाजिक और आर्थिक दर्शन कहा जाता है। क्लियर है, और इसकी अगर बात कर लेते हैं एक और, इसके बीच में अनुच्छेद आता है 40, अनुच्छेद 40 के बारे में याद रखिएगा कि अनुच्छेद 40 को क्या कहा जाता है, गांधीवादी दर्शन माना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 1818 ईस्वी में प्रथम सूती वर्ष कारखाना फोर्ट ग्लास्टर में लगाया गया था, यह किस राज्य में स्थित है। तो ये पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में स्थित है फोर्ट ग्लास्टर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, देखिए सूती वस्त्र के कारखाना लगाना जो है, सूती वस्त्र के रिलेटेड ही हम लोग एक टर्म पढ़े मैनचेस्टर। ठीक है, मैनचेस्टर आप लोग नाम सुने होंगे कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर है क्या, एक्चुअली मैनचेस्टर क्या है कि सूती वस्त्र का उत्पादन वहां सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वहां एक मैनचेस्टर कहा जाता है उसको। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, निकटतम तारे से प्रकाश कितने समय पर पृथ्वी पर पहुंचता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4.22 प्रकाश वर्ष में। देखिए तारा की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन है, सूर्य है, और सूर्य के बाद दूसरा निकटतम तारा कौन है, दूसरा निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो यहाँ जो ऑप्शंस दिया हुआ है ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बारे में दिया हुआ है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी का जो लाइट है वो 4.22 प्रकाश वर्ष में पृथ्वी पर पहुंच जाता है। अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य का लाइट आने में कितना मिनट टाइम लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जलधारा हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अग्लूहास। अग्लूहास धारा जो है वो हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। अगर हम वेनेजुएला धारा की बात करते हैं तो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, और अगर हम पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा की बात कर लेते हैं तो ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा चलती है जो कि ठंडी जलधारा है। क्लियर हो गया होगा, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि टेबल शुगर में क्या पाया जाता है, जो टेबल शुगर होता है उसमें क्या पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। सुक्रोज क्या होता है, C12H22O11, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चीनी भी बोलते हैं।
क्लियर हो गया होगा। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज एक सकरा है जिसमें ग्लूकोज का एक अणु मिलता है और एक अणु फ्रुक्टोज का मिलता है, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सुक्रोज बनाते हैं। तो कभी कभी यह भी क्वेश्चन आता है कि सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का रेशियो कितना है, तो दोनों का 1:1 एटम मिला हुआ है, तो एक रेशियो एक ही होगा दोनों का रेशियो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त के जमने में सहायक होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। क्लियर है? विटामिन के जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं विटामिन के की, तो विटामिन के रक्त के थक्का बनने में अनिवार्य होता है, सहायक होता है। और रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन अगर पूछ दे आपसे तो क्या आंसर होगा? तब आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजेन हो जाएगा वो आपका सही आंसर अगर प्रोटीन पूछ देगा तो। और रक्त का थक्का बनने में 2 से 5 मिनट तक का समय लगता है। ठीक है, अगर हम विटामिन सी की बात करते हैं तो विटामिन सी के कमी से एस्कर्बी रोग होता है, विटामिन डी के कमी से रिकेट रोग होता है, और विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? देखिए ये चीज को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, चंद्र ग्रहण जब लगेगा जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा दोनों के बीच में अगर पृथ्वी आ जाएगी तब क्या होगा? चंद्र ग्रहण लग जाएगा। याद रखिएगा कि चंद्र ग्रहण होगा जो हमेशा पूर्णिमा की रात को लगेगा। अगर सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा, तब लग जाएगा सूर्य ग्रहण, और ये हमेशा अमावस्या को होगा। क्लियर हो गया दोनों चीज? चलिए अगला क्वेश्चन है, कन्नब वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वासुदेव। ठीक है, ये वासुदेव होगा, वासुदेव। ठीक है, देखिए जो सुंग वंश था, सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए याद रखिएगा, सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। और इन देवभूति को हत्या कर दिया था ये वासुदेव। इसी देवभूमि की हत्या करके वासुदेव जो था वो कन्नब वंश की स्थापना किया था। ठीक है, अब याद रखिएगा कि कन्नब वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। और ये सुशर्मा का हत्या कर दिया था कौन? सिमुक, जो कि सतवाहन वंश की स्थापना किया था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 25 वर्ष। 25 वर्ष से ऊपर का कोई भी आदमी प्रधानमंत्री बनने लायक योग्य है उम्र में, और उसके और सारी कंडीशंस है। देखिएगा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य सबकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। राज्यसभा तथा विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगी, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगी। क्लियर हो गया होगा? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ML घोष यानी मोतीलाल घोष। और इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब इसका पहला प्रकाशन कब हुआ था अमृत बाजार पत्रिका का? इसका पहला प्रकाशन 1868 ईस्वी में किया गया था। क्लियर है? फिर जो ये अमृत बाजार पत्रिका है ये 1878 ईस्वी में क्या हुआ था, जो आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे, 1878 ईस्वी में क्या हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, और इसी के बाद ये जो अखबार था वो रातों रात अंग्रेजी अखबार में बदल गया था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था? तो पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गोवा था उसका मुख्यालय। लेकिन अगर पूछा जाए कि पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तब हो जाएगा उसका आंसर कोचीन। कोचीन में वो पहली फैक्ट्री स्थापित किया था, कब? 1503 ईस्वी में। क्लियर है? देखिए पुर्तगालियों से और कुछ कुछ चीज़ याद रखिएगा, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? पहला गवर्नर जनरल था अल्बुकर्क। ठीक है, कब से कब रहा था? 1509 से लेकर 1515 तक। ठीक है, ये पहला नहीं था लेकिन इसको वास्तविक माना गया है अल्बुकर्क को 1509 से। पहला अगर आपसे पूछ दे कि पहला गवर्नर कौन था, तब हो जाएगा फ्रांसिसो दे अल्मेडा, वो 1505 से लेके 1509 तक रहा है, और फिर 1509 से 1515 तक अल्बुकर्क रहा है। अल्बुकर्क को लेकिन वास्तविक संस्थापक माना गया है, लेकिन पहला अगर आपसे कोई पूछे कि पहला गवर्नर कौन था, तब हो जाएगा फ्रांसिसो दे अल्मेडा हो जाएगा। और यही जो अल्बुकर्क है जो 1509 से 1515 पर शासन किया था, मतलब गवर्नर रहा था, तो यही 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। ठीक है, कब? 1509 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये ऑलरेडी अभी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, 2.42% है, ठीक है। अब भारत जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे वर्ल्ड का सातवां, विश्व का सातवां बड़ा देश है, ठीक है। और कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान हॉर्टिकल्चर संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बेंगलुरु, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात देखिए यहाँ पे शिमला की करते हैं, तो शिमला से याद रखिएगा, शिमला में क्या था? शिमला में एक केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। अगर हम बात कलकत्ता की करते हैं, तो कलकत्ता से याद रखिएगा, कलकत्ता में है केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। और एक और याद रखिएगा, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, ठीक है। ये दोनों का मुख्यालय कहाँ, संस्थान कहाँ स्थित है? कलकत्ता में स्थित है, ठीक है। बेंगलुरु से एक और चीज़ याद रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान हॉर्टिकल्चर संस्थान के साथ साथ भारतीय खगोल संस्थान भी बेंगलुरु में स्थित है, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, एपिग्राफी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो एपिग्राफी का मतलब क्या होता है? एपिग्राफी का संबंध का मतलब भाषाओं का अध्ययन, शिलालेखों की भाषाओं के अध्ययन, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। और ये अष्टाध्यायी है क्या? संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अगर हम लोग वाल्मीकि की बात करें, तो वाल्मीकि के पता ही होगा कि इन्होंने रामायण की रचना की है। अगर हम वेद व्यास की बात करें, तो वेद व्यास से आप लोगों को पता ही होगा कि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है, क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा जैन, अनेकांतवाद का संबंध किससे? जैन धर्म से है, जैन मत से है, क्लियर है। अगर हम बात जैन धर्म की कर लेते हैं, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? उसके जो प्रथम तीर्थंकर थे जिनका नाम क्या है? ऋषभदेव था। 24 तीर्थंकर हुए थे, पहले थे जो उनका संस्थापक जिनका नाम था ऋषभदेव, और जो 24वें थे वो थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो कालानुक्रम सही अगर हम देखा जाए, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? 788 में। रामानुज का कब हुआ था? 1017 में। और चैतन्य का कब हुआ था? 1486 में। तो सही कालानुक्रम जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से गलत युगों को पहचानिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओलिया। देखिए चिश्ती क्या है? चिश्ती एक सिलसिला है, ठीक है, जिसको भारत का सबसे प्राचीन सिलसिला भी बोला गया है। और इसके प्रथम संत कौन थे? ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती। अगर हम सुहारवादी करते हैं, सुहारवादी की बात करते हैं, तो सुहारवादी भी क्या है? एक सिलसिला है। फिरदौसी भी क्या है? एक सिलसिला है। लेकिन औलिया नाम का कोई सिलसिला ही नहीं है। तो ये जो सी होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये गलत युग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि माउंटेगु चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1919 का आधार बना था। अगर हम माउंटेगु चैम्सफोर्ड रिपोर्ट की बात करते हैं, तो माउंटेगु चैम्सफोर्ड की अगर हम बात करते हैं, तो 1919 में क्या था? 1919 में लॉर्ड माउंटेगु भारत सचिव था, और चैम्सफोर्ड जो था वो भारत का वायसराय था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया था माउंटेगु चैम्सफोर्ड, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कोयम्बटूर, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए मैनचेस्टर है क्या, पहले ये समझ लीजिए। मैनचेस्टर इंग्लैंड में स्थित एक नगर है, जो बहुत ज़्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन करने में फेमस है, मतलब प्रसिद्ध है, विख्यात है, तो इसीलिए हम लोग उसको मैनचेस्टर बोलते हैं। तो अगर भारत का मैनचेस्टर बोला जाए, ठीक है, याद रखिएगा, देखिए भारत का मैनचेस्टर तब हो जाएगा आंसर अहमदाबाद, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर अगर पूछेगा तब हो जाएगा कानपुर, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तब हो जाएगा कोयम्बटूर, क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 39, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में है, ठीक है। अगर हम थोरियम की बात करते हैं, तो थोरियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 90। थोरियम धातु की खोज कब हुई थी? 1828 ईस्वी में। किसके द्वारा? बर्जीलियस के द्वारा किया गया था, बर्जीलियस के द्वारा थोरियम का खोज किया गया था, क्लियर है।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा लोहा, पहली कौन हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा एल्युमिनियम। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है, इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरसों। सरसों खरीफ फसल नहीं है। देखिए खरीफ फसल होता क्या है, वैसा फसल जिसका जो बुआई है मतलब रोपा जाता है कब? जून जुलाई में, ठीक है, और काटा कब जाता है? अक्टूबर नवंबर में, उसको हम लोग खरीफ फसल बोलते हैं। जैसे कि कपास, धान, मक्का, मूंगफली, अरहर, ये सब खरीफ फसल है। अगर हम बात सरसों की करते हैं तो सरसों क्या है? रबी फसल है। रबी फसल क्या होता है? जिसकी बुआई नवंबर दिसंबर में की जाती है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। जैसे कि गेहूं, जौ, गाजर, आलू, प्याज, मटर, ये सब रबी फसल है। क्लियर हो गया होगा? चलिए अब है अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जिप्सम जो है वो खनिज नहीं है। हेमेटाइट खनिज है। किसका यस्क है? लोहे का यस्क है। बॉक्साइट की अगर हम बात करते हैं तो ये भी खनिज है, ये एल्युमिनियम का यस्क है। लिमोनाइट की बात करते हैं तो लिमोनाइट भी खनिज है और ये लोहे का यस्क है। क्लियर है यहाँ तक चीज? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति ब्लैंक चट्टानों से होती है। तो देखिए आग्नेय चट्टाने से भी होती है और तलछटी चट्टाने से भी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर और भी ऑप्शन में रहता कि अपसादित चट्टान, परतदार चट्टान, तो ये सब भी होता, क्योंकि ये सबसे भी चट्टानों की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काकेसियाई प्रजाति के सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि संताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है। संताप मंडल से एक और चीज याद रखिएगा कि संताप मंडल में ही ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। देखिए समझिए इस चीज को थोड़ा अच्छे से। अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, भारतीय संविधान की हम बात करते हैं भाग 3 की। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार का उल्लेख है। कितने से कितने अनुच्छेद में? अनुच्छेद 12 से 35 में। ये तो पढ़े ही होंगे आप लोग कि भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है 12 से 35 में, जिसमें से कि याद रखिए अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो अनुच्छेद है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, ठीक है। और इसी का जो अनुच्छेद 32 है, ठीक है, इसी अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक निराकरण उपचार का अधिकार है, जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और यही अनुच्छेद 32 जो है मतलब संवैधानिक निराकरण या उपचार का जो अधिकार है, इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहकर संबोधित किया था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उपयोग इस प्रकार किया जाएगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 257। देखिए भारत के अगर संविधान की बात करते हैं तो संविधान के भाग 11, ठीक है, भाग 11 में अनुच्छेद 256 से लेकर 263 के बीच में क्या है? केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों का ब्यौरा है, ठीक है। 256 से लेकर 263 में केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों का ब्यौरा है। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 257। अगर हम लोग बात अनुच्छेद 355 की कर लेते हैं तो अनुच्छेद 355 के में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 355 में ये कहा गया है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति में राज्य की सुरक्षा करने का दायित्व तो किसको है? संघ को है। और अगर हम अनुच्छेद 356 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 356 तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसी के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत द्वारा नहीं लिया जाता है? तो शिक्षा कर भारत द्वारा नहीं लिया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि भारत में मुद्रा स्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो भारत में मुद्रा स्फीति क्या होता है, किसके आधार पर? WPI पे होता है। WPI क्या होता है? होलसेल
प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी थोक मूल्य सूचकांक, जिसको हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि WPI या थोक मूल्य सूचकांक का बेस ईयर कौन सा है, तो बेस ईयर ये है इसका 2011-12। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है, डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतदर्शी एंडोस्कोप प्रकाश के किस पर निर्भर करता है, तो यह पूर्व आंतरिक परिवर्तन पर निर्भर करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा। पूर्व आंतरिक परिवर्तन के बारे में बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यह आप कुछ भी याद रखिएगा, जैसे हीरो का चमकना, जो हीरा जो हमारा डायमंड चमकता है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा मृग मरीचिका का बनना, ऑप्टिकल फाइबर, ये सब किस पे, पूर्व आंतरिक परिवर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी और सूर्य के बीच। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या कहा जाता है, खगोलीय एकक कहा जाता है। और सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी कितना है, 14.96 करोड़ किलोमीटर। क्लियर है। देखिए अगर हम दूरी की बात कर लेते हैं, तो एक चीज और याद रखिएगा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, 14.96 करोड़ किलोमीटर। और सबसे नजदीक कब होता है पृथ्वी और सूर्य, सबसे नजदीक होता है 3 जनवरी को। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए कहीं, कि पृथ्वी और सूर्य सबसे ज्यादा नजदीक होता है 3 जनवरी को, ठीक है। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है उपसौर। और सबसे ज्यादा दूर कब होता है, सबसे ज्यादा दूर होता है 4 जुलाई को, और इसको क्या कहा जाता है, अपसौर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एसिटिलीन। एसिटिलीन जो होता है वो क्या होता है, C2H2। ये जो C2H2 होता है ये फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए होता है। लेकिन अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ दे कि फलों कृत्रिम नहीं प्राकृतिक तरीके से, तो प्राकृतिक तरीके से क्या होता है, एथिलीन। एथिलीन क्या है, एक पादप हार्मोन है जो कि फलों को पकाने में सहायक होता है। ये पहले से प्रेजेंट होता है फलों में, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये प्राकृतिक रूप से है। लेकिन अगर कृत्रिम रूप से पकाना है तो वो होता है एसिटिलीन, यानी C2H2। क्लियर है। चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, या फिर आप लोगों को वीडियो से जरूर न कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये वीडियो से आप लोगों को कुछ भी अगर सीखने के लिए मिल रहा है, तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अग्निशामकों में खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा प्रयोग में लाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। बेकिंग सोडा होता क्या है, बेकिंग सोडा है NaHCO3, बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में बेकिंग सोडा का सूत्र, तो NaHCO3। शीशे के उत्पादन में बिना बुझा चूना प्रयोग में लाया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है, क्यूक लाइम को हम लोग बोलते हैं भिजा हुआ चूना, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड यानी CO। तीसरा है, पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम प्रयोग में लाया जाता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम को प्रयोग में लाया जाता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 1/2 H2O। क्लियर है। और जिप्सम का अगर रासायनिक सूत्र आपसे पूछ दे, तो जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2O। क्लियर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी उपयुक्त सब सही है, तीनों सही है ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, तो इसका जो सही आंसर है वो वायरस होगा। वायरस के कारण हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी है क्या, हेपेटाइटिस बी एक लीवर की बीमारी है, ठीक है। और ये किसके द्वारा फैलता है, ब्लड के द्वारा फैलता है, रक्त के द्वारा ये संक्रमित होता है, ठीक है। अगर हम वायरस की बात कर लेते हैं, तो वायरस से याद रखिएगा पोलियो, खसरा, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, एड्स, चेचक, ये सब वायरस के कारण होता है। अगर हम बात प्रोटोजोआ की कर लेते हैं, तो मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगर हम बात बैक्टीरिया की कर लेते हैं, तो बैक्टीरिया से याद रखिएगा टाइफाइड, कालाजार, टिटनेस, हैजा, टीबी, प्लेग, ये सब बैक्टीरिया के कारण होता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 90% होता है, ठीक है। देखिए रक्त के जो पदार्थ हैं, मतलब रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला जो होता है वो होता है ब्लड कॉर्पसल्स, जिसको कि हम लोग रुधिराणु बोलते हैं, और दूसरा होता है प्लाज्मा।
तो ये जो ब्लड कॉर्पसल्स होता है ये लगभग 40% होता है, क्लियर है, और ये जो प्लाज्मा होता है वो 60% होता है, ठीक है। अब प्लाज्मा में जल का प्रतिशत यहाँ पूछ रहा है, तो प्लाज्मा में जो होता है वो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%, प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है, 7% लगभग प्रोटीन पाया जाता है, 0.9% लगभग लवण पाया जाता है और 0.1% ग्लूकोज पाया जाता है। तो ये इसके मेन कंस्टिट्यूएंट है। यहाँ क्वेश्चन सिर्फ जल के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 90%। प्लाज्मा से के बारे में एक और चीज़ याद रखिएगा कि प्लाज्मा के कारण ही जो हमारे बॉडी में जो पचा हुआ भोजन होता है या हमारे बॉडी का जो हार्मोन होता है वो संवहन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मधुसूदनी इंसुलिन अंतरस्रावा हार्मोन एक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेप्टाइड है, ठीक है। आखिर पेप्टाइड होता क्या है, तो अमीनो अम्ल की छोटी श्रृंखला को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बोलते हैं, और बहुत सारे पेप्टाइड मिलकर ही क्या बनाता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो यह सबको पता है 1857 ईस्वी में लड़ी गई थी, कब, 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। और बी डी सावरकर जो थे वही कहे थे कि 1857 की क्रांति जो है वो भारत की प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, जब मार्लो मिंटो सुधार 1909 लागू हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड मिंटो। देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, यहाँ पे मिंटो कौन थे, भारत के वायसराय थे, और मार्लो कौन थे, भारत सचिव के पद पर कार्यरत थे, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा 1909 से, मार्लो मिंटो सुधार से, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली कब की व्यवस्था कब की गई थी, तो यही मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा किया गया था, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित टॉलस्टॉय फॉर्म से इनमें से कौन जुड़े हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गांधी जी। देखिए गांधी जी ने ही 1910 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। अगर हम बात टॉलस्टॉय की करते हैं तो लियो टॉलस्टॉय इनका पूरा नाम था, लियो टॉलस्टॉय रूस के एक महान साहित्यकार थे और इनको गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन हिंदुस्तान के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, यानी ऑप्शन नंबर बी। और अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तब इनके बाद हो जाएंगे सी, आरसी गोपालाचारी, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली मुख्य गैस कौन सी है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए अगर हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की, तो आखिर ग्रीन हाउस गैसेस होता क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस एक ऐसा गैस है जो कि हमारे अर्थ के टेम्परेचर को राइज कर देता है। अब कैसे राइज कर देता है अर्थ के टेम्परेचर को, ये समझ लीजिए, जो ग्रीन हाउस गैसेस होता है वो जो हमारे सूर्य से जो लाइट आती है, मतलब टेम्परेचर, वो जो किरण आती है उसको वो दोबारा एटमोसफेयर से निकलने नहीं देता है। तो जब नहीं निकलने देगा, मतलब वो आने तो देता है, निकलने नहीं देता है, तो जब नहीं निकलने देगा तो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो गर्म हो जाता है, और इसी ग्रीन हाउस गैस के कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, क्लियर हो गया होगा ये चीज। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल सक्रिय नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो ऑप्टिकल होता है वो सक्रिय नहीं होता है। ग्लाइसिन क्या है, एकमात्र एक अमीनो एसिड है जो कि वैकल्पिक रूप से निष्क्रिय है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी NH3। देखिए साथ ही साथ HCl, HNO3, H2SO4 ये सब जो है वो अम्लीय प्रवृत्ति को लुईस सिद्धांत के आधार पर नहीं समझाया जा सकता है। अगर हम बात कर लेते हैं कि आखिर लुईस अम्ल होते क्या है, तो वह एक ऐसे पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं उन्हीं को लुईस अम्ल कहते हैं,
क्लियर हो गया होगा, जैसे कि AlCl3, BF3, BCl3, ये सब किसका एग्जाम्पल है, लुईस अम्ल का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समान प्रतीतक है जिसको घरेलू प्रतीतकों में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बहुत जगह फ्रियोन। फ्रियोन का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, रेफ्रिजरेटर में करते हैं, एयर कंडीशनर में करते हैं, सब जगह करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 65 है। 65 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अभिरक्त। क्लियर है, अभिरक्त विकिरण की अगर हम बात करते हैं तो एक और चीज याद रखिएगा कि अभिरक्त विकिरण की खोज किसने की थी, विलियम हर्सल। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वत्रिक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प सब उत्तरदायी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्लोबल वार्मिंग से ही आप लोग सुन रहे होंगे कि ताजमहल का जो मार्बल यूज किया गया, संगमरमर यूज किया गया, उसका रंग फीका पड़ रहा है, तो वो किसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन के कारण ही हो रहा है वो। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो अम्ल वर्षा के लिए कौन सा उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर डी, यानी नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अभी हम लोग आप लोगों को बताए ही कि जो ताजमहल का रंग फीका पड़ रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, अम्ल वर्षा ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम लोग बात करते हैं अम्लीय वर्षा की, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्लोरीन ने। अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन की खोज किसने की थी, क्लोरीन का खोज किए थे सैले नामक एक वैज्ञानिक थे उन्होंने। क्लोरीन का और पानी शुद्ध करने के साथ साथ ही विरंजक चूर्ण, फॉस्फीन, आंसू गैस इत्यादि के निर्माण में भी इसका कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी धूल कण के कारण होता है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में अणुओं की ब्राउनियन गति को ही विसरण कहा जाता है, और विसरण के कारण ही हमें किसी वस्तु की गंध का पता चलता है। जब हम स्याही का कोई बूंद जल में डालते हैं, पानी में डालते हैं, तो वो क्या है, उसका जो समांगिंग बिलियन बनता है वो भी क्या है, एक विसरण का उदाहरण है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि रक्त का पीएच मान क्या है। तो रक्त का पीएच मान है 7.4। ठीक है, अगर हम बात पीएच स्केल की कर लेते हैं, तो पीएच स्केल का आविष्कारक कौन है, सोरेनसन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पीएच स्केल की, तो पीएच स्केल पे होता क्या है, 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, जिसमें 7 से कम पीएच मान वाले वस्तु अम्लीय होते हैं, 7 से अधिक पीएच मान वाले वस्तु क्षारीय होते हैं, और 7 पीएच मान वाले वस्तु जो होते हैं वो उदासीन होते हैं। क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, इंडिया गेट ब्लैंक का स्मारक है। तो प्रथम विश्व युद्ध का एक स्मारक है। ठीक है, कब बना था इंडिया गेट, 1931 में। ठीक है, और ये हुआ क्या था, जो हमारे भारतीय सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में वीर गति को प्राप्त कर लिए थे, उन्हीं के स्मृति में ये बनाया गया था इंडिया गेट। ठीक है, और इंडिया गेट से एक चीज और याद रखिएगा कि इंडिया गेट के डिजाइन किसने किया था, उनके जो डिजाइनर थे उनका नाम था एडविन लुटियंस। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन है 72। कंप्यूटर में भंडारित आंकड़े प्रायः किस रूप में भंडारित किए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बिट्स होगा, क्योंकि बिट्स के फॉर्म में कंप्यूटर का स्टोरेज होता है। आप लोग पढ़े भी होंगे कि 4 बिट के बराबर 1 निबल होता है, 8 बिट के बराबर 1 बाइट होता है, 1024 बाइट के बराबर 1 किलोबाइट होता है, फिर 1024 किलोबाइट के बराबर 1 मेगाबाइट होगा, फिर 1024 मेगाबाइट के बराबर 1 गीगाबाइट होगा, 1024 गीगाबाइट के बराबर 1 टेराबाइट होगा। क्लियर है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि किस देश के राष्ट्रीय झंडे में भारत के राष्ट्रीय झंडे के समान रंग है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इटली। अगर हम बात इटली की कर लेते हैं तो इटली को क्या बोला जाता है? यूरोप का भारत भी बोला जाता है, यूरोप का भारत। इटली की राजधानी है रोम। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 वर्षों में मनाया जाता है। देखिए अगर हम कुंभ की बात करते हैं तो भारत में कुंभ मेलों का आयोजन किसने सर्वप्रथम स्टार्ट करवाया था? तो हर्षवर्धन ने, याद रखिएगा हर्षवर्धन ने करवाया था। देखिए हुआ क्या था कि हमारे जो मान्यता है, मतलब धर्म, हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार इंद्र के जो बेटे थे जयंत, ठीक है, वो घड़ा लेके अमृत, मतलब घड़ा में अमृत भर के लेके जा रहे थे, ठीक है, और हरिद्वार में और उज्जैन और नासिक और प्रयाग में अमृत की बूंद गिर गई थी, और यही चारों जगह पे फिर हम लोग क्या करने लगे, कुंभ मनाने लगे। हरिद्वार में गंगा नदी पर, उज्जैन में सिपरा नदी पर, नासिक में गोदावरी नदी में, और प्रयाग में गंगा यमुना और सरस्वती नदी के संगम में कुंभ का आयोजन किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक पक्षी अभयारण है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भरतपुर। भरतपुर क्या है? एक पक्षी अभयारण है। अब भरतपुर पक्षी अभयारण को ही क्या बोला जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। क्लियर है? अगर हम बांदीपुर की बात करते हैं तो बांदीपुर और बनरघट्टा दोनों राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अभी आज ही मैं एक आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे मैं पूरे नेशनल पार्क और जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, वन अभयारण्य है, पक्षी अभयारण्य है, सबका एक मैं पूरा कंपाइल लिस्ट दे दिया हूँ मैप के फॉर्म में करके, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, सोमनाथ मंदिर ब्लैंक कहाँ है? तो सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सोमनाथ मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों मंदिरों में से एक मंदिर है, और याद रखिएगा कि मोहम्मद गजनबी के द्वारा 1025 ईस्वी में इसी मंदिर को लूटा गया था, और बोला जाता है कि सबसे ज्यादा धन मोहम्मद गजनबी इसी मंदिर को लूट के ले गया था। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हैदराबाद में स्थित है। अगर हम बात करते हैं राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का, तो ये जो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये निजी क्षेत्र द्वारा पूर्ण रूप से बनाया गया भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। क्लियर है? नई दिल्ली के हवाई अड्डा को बोलते हैं हम लोग इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कलकत्ते के हवाई अड्डा को बोलते हैं हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। 78 कह रहा है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 8 मई यानी ऑप्शन नंबर ए। और ये क्यों मनाया जाता है? इसी दिन हेनरी ड्यूरेट, ठीक है, जिन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी, तो हेनरी ड्यूरेट का जन्मदिन था 8 मई को, इसीलिए 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो ये था आज का वीडियो। अब 79 के बाद से आप लोगों के मैथ्स और रीजनिंग का वीडियो है, ये पूरा पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, सारे ग्रुप में मैं डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप सारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। फिर ये पीडीएफ से आप मैथ्स रीजनिंग का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप लोग जो भी जो क्वेश्चंस में भी दिक्कत होगा आप वहां डिस्कस कर सकते हैं, आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी कुछ सीखने के लिए मिल जाए।